अगर आपकी दोबारा गवर्नमेंट आती है इंशाल्लाह, तो आपका पहला लायमल क्या होगा? आपने कहा ना क्या बड़े काम, 3.5 साल में बड़ा हमने चीज़ें सीखी। पहली दफ़ा हमारी पार्टी गवर्नमेंट में थी। भाई 5:39 हो रहे हैं और 7 बजे हम लोगों की फ़्लाइट है। हम लोग जा रहे हैं कहाँ? इस्लामाबाद। एक बहुत अजीम शख्सियत से मिलने जा रहे हैं हम लोग और हम लोग थोड़ा लेट हो चुके हैं। मास्क भी नहीं है हमारे पास। असल भाई इस बारे में क्या कहेंगे? सारी लेकिन साफ की सर पाल लाऊँ मैंने, बहुत देर हो गई है भैया, जल्दी चलावे सर। resistance condition and go the distance allah cuz I know the statistics infiltrate the roof tap the back। पहुंच गए भैया, पहुंच गए और जल्दी से ऊपर जाना है, चेक इन मारना है और फिर सीधा इस्लामाबाद। सुना है गर्मी बहुत है यार वहां पर। भैया मास्क फिर से हमने लगा लिया है क्योंकि कोरोना फिर से हल्का-हल्का आ गया है ना, ये जरूरी हो गया है मास्क। अल्लाह करे मिल जाए, मिस ना हो यार। 6 में 5 का मैं फाइनली भाई ये हमारा बोर्डिंग पास मिली है। अब इसके बगैर जो ना जहाज उड़ भी नहीं लगता जब तक हम ना पहुंचे। समझ रहे हैं आप ये क्या है? भाई डबल चॉकलेट, पीच आइस टी और चाय तुम्हारे लिए ना। महंगा नाश्ता कभी तुमने किया गरीब? गजब बेइज्जती है। आधा आधा खाएंगे ना आधा तू आधा मैं। चलो खाओ। आपकी गुजारिश है अपना दोस्ती सामान बड़ा खाने या नीचे रखें, अपनी सीट पर बैठें। तो भाई ख़वातीन और हज़रात क्या मौसम मिल गया हमें इस्लामाबाद में लैंड करते ही। अभी अभी बारिश रुकी है सही है और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। मैंने अभी होटल बुक करा लिया है क्योंकि यार इतनी देर तक जो है फिर हम कहाँ ख्वार होंगे। तो अभी हम एक होटल में जाएंगे, क्यों आए हम लोग ये अभी भी नहीं बताएंगे ना आप। हालांकि मुझे कह रहा था टाइटल में देख लिया, टाइटल में तो आप लोगों ने पढ़ लिया और मैंने कुछ शॉर्ट शुरू में भी लगा दिए मिलने के जो है ना, वो सब लगा दी, लेकिन फिर भी मैं अभी नहीं बताऊँगा। बस ये है सीन, ये सस्पेंस रहना चाहिए। अरसलान भाई आपने कैसे हमें बचाना बताएं? सर मैंने आपको बचाना इसलिए कि आपने बताया, भाई ने बताया, मैंने आप लोगों को देखा, आप लोग उधर खड़े हुए थे जी। तो ये भाई साहब को तो आंटी अक्सर बनती है। हाँ शम्सी ये मेरी बीवी बनता है, ये मेरी बीवी बनता है। नहीं नहीं क्या मसला है यार, ये ब्लॉग होता है इसमें कोई मतलब चलता है। तो इनको मैंने जब देखा तो मैंने दोस्तों को कहा, मैंने कहा यार सामने यूट्यूबर्स खड़े हैं, नाम नहीं मुझे याद आ रहा, क्लिक कर रहा ना तो बुलाते हैं, शक्लें जानी पहचानी लग रही होंगी। बिस्मिल्लाह। तो भैया आ गए हम लोग गाड़ी में। ये भाई भी हमारे फैन हैं, ये कह रहे हैं कि आप जो दें वो ले लेंगे हैं। ठीक है हम इनको एक बिटकॉइन दे देंगे। बिटकॉइन लेते हैं आप? सर अबे बहुत महंगा भाई, 44 लाख रुपए का है एक बिटकॉइन अभी। मतलब काफी दिनों से यहाँ पे बड़ी गर्मी थी है और आज हम लोग आए हैं तो यहाँ पे बारिश हो गई है, तो बड़ा ज़बरदस्त वेलकम किया इस्लामाबाद में। भाई आपका नाम क्या है? मुजीब नाम है सर। मुजीब भाई बारिश हो रही है, वीआईपी बारिश हो रही है और बगैर खड्डों की बारिश हो रही है। ये बात है कि हम लोग सीधे सीधे जा रहे हैं बारिश एंजॉय करते हुए, कोई खड्डा नहीं आया अभी तक और ट्रैफिक जैम भी नहीं है। क्या व्यू आ रहा है यार, कमाल। ये देखो ना कि हम ये सब चीज़ें देख के ना ऐसा हो रहा है कि जैसे हम कोई बहुत छोटे से गांव से आए हैं, हालांकि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची से आए हैं। भाइयों गेस्ट हाउस पे आ गए हम लोग और बारिश हो रही है अभी हल्की हल्की और बहुत मज़ा आ रहा है यार। अंदर का जो एक कहते हैं ना इनर चाइल्ड, वो फुल बाहर आके जो है ना दिल चाह रहा है यहाँ पर उछले कूदें, लॉन्ग वॉक करें। बच्चे होते हैं यहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि मैंने अभी ना गूगल पे देखा था फुल गर्मी शर्मी आ रही थी, अब यहाँ पर जो मौसम है मज़ा ही आ गया। अच्छा मौसम हो रहा है तो हमने सोचा कि चलो मैंगो शेक मंगवाते हैं। जज़ाकल्लाह शुक्रिया। पेमेंट हो गई ना? फैसल भाई वॉशरूम में, तो हमने उनके ब्याह पर ये रिसीव कर लिया। हाँ क्या खूबसूरत जगह है, बट बैठ नहीं सकते, गीली हो रही है। कोई बात नहीं, खड़े होकर एंजॉय करेंगे। पहली बात कोई डर नहीं है, मोबाइल रखा हुआ है कोई नहीं छीन के जाएगा। दूसरी बात ग्रीनरी, तीसरी बात मौसम, चौथी बात बारिश, कॉम्बिनेशन और मैंगो शेक। हाँ भाई तो एक नींद लेके उठ गए हम लोग। एक नींद हाँ। इतनी लंबी नींद एकदम से हड़बड़ा के उठे एकदम से कि भाई टाइम तो नहीं निकल लिया, भाई चला सोते रह गए। अब वापसी फ्लाइट लेके वापस कराची, ना मिले ना कुछ। किससे मिलना है ये मैंने अभी तक रिवील नहीं किया, लोगों में सस्पेंस रह रहा है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए हम इमरान खान साहब से मिल रहे हैं। बदतमीज़ एडिट कर देना ना यार, चलो ना आगे बढ़ो, पागल आदमी हो यार तुम। तो भाई अभी जिहाद भाई आ गए हैं, वासिफ आ रहा है। अरे क्या हाल है मेरा भाई, कैसा है? ठीक है। हाँ भाई, तो वासिफ हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये बताना नहीं है किसी को, ये हम किसी को नहीं बता रहे। हमने अपने जो कहता XPM इमरान खान साहब से मिलने जा रहे हैं। और यार देखे भाई, बनी गाला का रास्ता ही है और फुल जो है ना हमारा प्रोटोकॉल में जा रही है गाड़ी, आगे जा रही है, पीछे आनी चाहिए भाई। ये कैप आपका बहुत अच्छा लग रहा है, टोपी कहाँ से लिया? तो भाई हमारे साथ हाँ ले रहे हैं ना, ये देखो यार ये कौन सा यूट्यूबर है यार, ये टिकटॉकर भी आए हैं क्या? बड़ा टाइट बंदा है, बहुत अच्छा मतलब इट्स लैट ब्रो। अल्लाह का शुक्र है यार, बड़े खुश हैं। कहाँ आए हुए आप? रदीम वाटर पार्क नहीं आए हुए, बनी गाला। अगर आपकी दोबारा गवर्नमेंट आती है इंशाल्लाह तो आपका पहला लायमल क्या होगा? और दूसरी चीज़ ये कि आपके करोड़ों फैंस हैं, आपकी एक कॉल पर पाकिस्तान का कोई भी शहर हो, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, लाखों लोग जमा हो जाते हैं। लेकिन इन्हीं लोगों पर, इसी आवाम पर जब महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, पेट्रोल, घी, आटा, तब वो अपने हक के लिए उस तरह नहीं निकलते। तो कहाँ हमारी आवाम जो है वो लैग कर रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? पहले तो आपने कहा ना क्या बड़े काम, 3.5 साल में बड़ा हमने चीज़ें सीखी। पहली दफ़ा हमारी पार्टी गवर्नमेंट में थी तो जो मुसलसल एनालाइज़ किया तो कई चीज़ें हमने रियलाइज़ किया कि हमें कई, अब जो अपने तजर्बे से है कि 90 डेज़ में कौन कौन सी चीज़ें थी हमें शुरू में करनी चाहिए थी। तो वो हमने पूरी लिस्ट बनाई हुई है कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि वो शुरू में ही हो सकती है, बाद में नहीं होती। तो वो तो खैर मैंने बड़ा सीखा। लेकिन एक चीज़ हमने रियलाइज़ की है कि अगर आपके पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, आप इस्लाहत नहीं कर सकते। सो अगर हम रिफॉर्म करना चाहते हैं सोसाइटी को, तो वो क्लियर मेजॉरिटी के बगैर नहीं हो सकती, क्योंकि आपके कोलिशन गवर्नमेंट्स हैं या कमज़ोर गवर्नमेंट है। क्योंकि होता क्या, रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? जब आप रिफॉर्म करते हैं तो एक सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो जो चेंज जब आप करते हैं तो कई इसमें से जो माफियाज हैं वो बेनिफिशरीज होते हैं एक करप्ट सिस्टम के। जैसे ही आप चेंज करते हैं वो रुकावट आपके सामने पैदा कर लेते हैं, और वो तकड़े होते हैं। मसलन शुगर माफिया है, ये बहुत बड़ा माफिया, तकड़े लोग हैं, अरबों रुपया इनके पास है। तो ये फिर हर किस्म की रुकावट डालते हैं, अदालतों में चले जाते हैं, स्टे ऑर्डर ले। वो जब तक आपके पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं होती, आप इन लोगों को टेक ऑन नहीं कर सकते। तो मेरा तो सिंपल क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास क्लियर मेजॉरिटी ना, मैं गवर्नमेंट में नहीं आऊँगा, क्योंकि गवर्नमेंट तब करो जब आप चेंज कर सकें। तो हमने अपने 3.5 साल के एक्सपीरियंस में सीखा है कि अगर आपके पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, बेहतर यह है कि गवर्नमेंट ना संभालें, क्योंकि आप डिलीवर नहीं कर सकते। सो गाइस, जस्ट हैड अ ग्रेट सेशन विद इमरान खान। अभी हम लोग इस रूम से बाहर आए, जो पीछे रूम आप देख रहे हैं, वहाँ पर हमारी बातें हुई हैं, क्वेश्चन किए, आप लोगों ने भी आई एम श्योर देखी होगा। अगर मुझे फुटेज भी लगी तो मैं लगा दूंगा। और इट वॉज कहते हैं ना कि लार्जर दैन एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस कह सकते हैं इसको। तो बड़ा मज़ा आया, क्वेश्चन किए डायरेक्टली इतना करीब बैठ के, और जो भी मेरा सवाल थे उनके जवाब दिए उन्होंने, तो बड़ा अच्छा लगा। एक ओवरवेलमिंग सा फील हो रहा है। तो अभी जो है ना बड़ा हम लोग जो है ना जो हमारी तफरी थी ना वो सारी डाउन हो गई है। थोड़ी देर में फ़्लाइट है, तो सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। कराची जा रहे हैं वापस। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।